भारतीय सेना के साहस ने बचाई सैकड़ों लोगों की जान। एक सैनिक का दायित्व हमेशा यही होता है कि वो किसी भी तरह अपने देश और देशवासियों की सेवा के काम में आ सके। उत्तराखंड में तैनात सैनिकों को देश सेवा का मौका तो अक्सर मिलता है, लेकिन उनका सामना किसी दुश्मन से नहीं बल्कि होता है प्रकृति के प्रकोपों से। शुक्रवार रात को उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशी मठ में टूटे हिमखंड ने वहां भारत चीन सीमा पर सड़क निर्माण का कार्य कर रहे सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि जहां ये हादसा हुआ वहां नजदीक ही आईटीबीपी की बटालियन पहले से ही तैनात थी। आईटीबीपी ने एसडीआरएफ के साथ मिलकर घटना की जानकारी मिलने पर बिना देर किए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रात के अंधेरे और भारी बर्फबारी से अवरुद्ध हो चुके रास्तों के बावजूद एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां टीम ने बीआरओ कैंप में सड़क निर्माण का कार्य कर रहे करीब 384 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। लेकिन सेना के तमाम प्रयासों के बावजूद 8 लोग इस काल के ग्रास में समा गए। बचाए गए 384 लोगों में से 6 व्यक्तियों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है, जिनका उपचार किया जा रहा है। वहीं सेना ने अभी भी कुछ लोगों के बर्फ के नीचे दबे होने की आशंका जताई है और सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। हादसा पिछले कुछ दिनों से जारी बर्फबारी और बारिश के कारण ग्लेशियर के टूटने से होना बताया जा रहा है। चमोली जिले के लोग अभी 7 फरवरी को टूटे ग्लेशियर और उससे हुई 80 लोगों की मौत का घाव भूले भी नहीं थे कि एक बार फिर उनके सामने एक नई त्रासदी आ गई। इन प्राकृतिक आपदाओं से हार चुके देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के लोगों को लगने लगा है कि शायद देवभूमि से भगवान अब कहीं और चले गए हैं।